सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू वर्ल्ड चैनल राशन फोटोग्राफी। गाइज आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बेस्ट वन क्लिक सीवी फोटो एडिटिंग वेबसाइट के बारे में बतलाने वाला हूं, जिसके अंदर आप लोग काफी कम टाइम में सीवी एडिटिंग कर सकते हो। जो कुछ फोटो के सैंपल को आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप सभी चाहते हो इस तरह का फोटो को एडिट करना सीखना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक जो है देखते रहना है। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो एवरीवन, सबसे पहले गाइज आप सभी को यहां पर क्या करना है, अपने फोन के अंदर आप लोग को गूगल क्रोम को यहां पर इस तरह से ओपन करना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, गूगल क्रोम को ओपन करता हूं इस प्रकार, और यहां पर क्या करता हूं सिंपली से सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके यहां पर क्या करता हूं CUTOUT और स्पेस देके PRO यहां पर लिखता हूं इस तरह से, यानी कि कटआउट प्रो यहां पर लिखना है और सिंपली यहां पर सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ ऐसा आप लोगों के सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो इसको हल्का सा नीचे की ओर करना है। तो यहां पर एक बैकग्राउंड रिमूव के नाम से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हो यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो यहां पर आप लोग कोई सा भी एक पर क्लिक कर सकते हो, जैसा कि मैं यहां पर क्या करता हूं नीचे वाले पर क्लिक करता हूं इस प्रकार। क्लिक करते ही कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अपलोड इमेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेड कलर का, तो इसी वाले अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को जिस फोटो को एडिट करना रहेगा उस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक गर्ल की फोटो को ऐड कर लिया हूँ, जो कि देख सकते हो यहाँ पर हल्का सा ये लोड ले रहा है। तो लोड होते ही आपका फोटो यहाँ पर शो होने लगा, जो कि देख सकते हो वन क्लिक के अंदर हमारा फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको नीचे की ओर करना है। तो एडिटर के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फोटो के जस्ट नीचे, तो उसी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट करना है। तो कुछ सेकंड वेट करते ही ऐसा ऑप्शन आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। तो ऊपर में एक जूम का ऑप्शन दिया रहेगा, तो इस वाले जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि दिखलाता हूँ यहाँ पर ये वाला जूम है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसी वाले जूम के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है एक बार, तो आपका फोटो यहाँ पर जूम हो जाएगा। जूम करने का फायदा ये है कि आप लोग अपने फोटो को और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एडिट कर सकते हो, यानी कि एडिटिंग करने में आसानी मिलेगा यहाँ पर जूम करने के बाद। अब यहाँ पर क्या करना है, बैकग्राउंड को बदलने के लिए यहाँ पर इमेज के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसी वाले इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर क्या करना है, बैकग्राउंड पर सिलेक्ट करना है, जो कि ये रहा। तो इसी वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, तो आप लोग को बहुत सारे यहाँ पर बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हो कितना मस्त मस्त बैकग्राउंड है। तो जो आप लोग को पसंद आता है वो आप लोग लगा सकते हो। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि हम अपने बैकग्राउंड को ऐड करना, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पर अपलोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पर अपलोड लिखा है। तो उसी वाले अपलोड के ऑप्शन पर टैप करना है और ब्राउजर के ऑप्शन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग को 10+ भी बैकग्राउंड का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग को जो फोटो में अच्छा लगता है उसको आप लोग लगा सकते हो। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले सीवी बैकग्राउंड को लगा लिया हूँ, जो कि देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पर फोटो लग रहा है। और अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि रेड कलर का है, तो इसी वाले डन के ऑप्शन पर टैप करना है। और यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है पहले। तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन खुलेगा, तो उसी वाले डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव करना है। तो फोटो को डाउनलोड करने के बाद अब आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, अपने फोन के अंदर एक ऐप को ओपन करना है, जिसका नेम स्केचबुक है। इस वाले ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड इजीली कर सकते हो, तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ इस तरह से। ओपन करते ही ऐसा ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ पर फोटो को एड करने के लिए ऊपर में सबसे कॉर्नर साइड में एक 3 डॉट के नाम से ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसी वाले 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और 4 नंबर पर इनपुट फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करके, यानी कि इनपुट फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके, डिस्कार्ड टू करंट स्केच के ऑप्शन पर क्लिक करके, फिर से डिस्कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहां पर क्या करना है, अपने फोटो कुछ इस टाइप से ऐड करना है। ऐड करते ही कुछ ऐसा आप लोगों के सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में ब्रश का एक आइकॉन देखने को मिलता है, तो इसी वाले ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्या करना है, इसको नीचे की ओर करना है, यानी कि 4 या 5 नंबर पर आप लोगों को एक ब्रश देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो ब्रश है सिंथेटिक पेंट के नाम से, तो इसी वाले ब्रश को आप लोग को सिलेक्ट करना है इस प्रकार।
और सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके सेटिंग को आप लोग इतना परसेंट पर रख सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस प्रकार, और नीचे में कट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कट कर देना है, और फोटो कुछ इस टाइप से जूम करके जिस डायरेक्शन में आपका फेस रहेगा उसी तरह से आप लोग अपने फेस को यहाँ पर ब्रश को चला के स्मूथ कर लीजिएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस तरह से। तो मैंने हल्का सा वीडियो को फास्ट करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने फेस को यहाँ पर गर्ल की फेस को स्मूथ कर लिया हूँ, जो कि देख सकते हो कितना मस्त स्मूथ यहाँ पर हो चुका है। तो अब बारी है यहाँ पर अपने फेस को वाइट करना। तो वाइट करने के लिए बगल में लेयर के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसी वाले लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर में प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर क्रिएट करना है, और इस वाले लेयर पर एक बार क्लिक करना है जो कि ये वाला जो है, इस पर एक बार क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सॉफ्ट लाइट के ऊपर यहाँ पर कर देना है और यहाँ पर सिंपली कट कर देना है। सॉरी कट नहीं करना है आप लोग को, बगल में कलर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऊपर की ओर करके व्हाइट कलर कर देना है और अब यहाँ पर कट कर देना है। और अब फिर से यहाँ पर क्या करना है, ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि कलर के बगल में है, तो इसी वाले ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, इस वाले ब्रश को अप्लाई करना है जो कि मेरा यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है, जो कि फेल्ट पेन के नाम से आप लोग को दिखलाता हूँ यहाँ पर, जिसकी मदद से हम लोग अपने फेस को यहाँ पर स्मूथ किए थे उसी के जस्ट नीचे एक फेल्ट पेन के नाम से ब्रश देखने को मिलेगा, तो इसी वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है और कट करके कुछ इस टाइप से फोटो को जूम करके अपने फेस को भी आप लोग को व्हाइट करना है। अगर ये ज़्यादा लगता है आप लोग को तो यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके ओपेसिटी को आप लोग डाउन भी कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पर फेस भी वाइट हो चुका है। तो इसी प्रकार आप लोग स्केचबुक ऐप का यूज करके अपने फेस को यहाँ पर स्मूथ प्लस वाइट भी कर सकते हो। और अब फोटो गैलरी के अंदर सेव करने के लिए ऊपर में एक थ्री डॉट के नाम से ऑप्शन देखने को मिलता है, तो थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है इस प्रकार, और यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सेव करंट स्केच के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव करना है।